एक्सप्रेस के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतरने की जानकारी पहले मिली थी और उसके बाद में ये संख्या बढ़ गई। अब 12 डिब्बे पटरी से नीचे उतरने की जानकारी मिली है। हादसे की जगह पर रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे के बाद की तस्वीरें जहां पर लोग अपना सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के गोंडा में दोपहर में रेल हादसा हो गया और यहां पर गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही थी ट्रेन और जिसके 12 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मौके पर चीख पुकार मची हुई है। घटना गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। मोतीगंज से झिलाई के बीच में 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का डरेलमेंट हुआ है। इसमें जो रेलवे की मेडिकल वैन है वो साइड पे पहुंच गई है, आर्मी बोलते हैं, वहाँ पे राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो रेलवे के ऑफिसर्स की टीम है वो साइड पर पहुंच गई है और सीनियर ऑफिसर साइड पे जा रहे हैं। तो तुरंत हम लोगों का मेन फोकस है कि राहत बचाव को पूरा किया जाए जिससे ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो सके। इसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957409292। जो गोंडा में हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। ये जानकारी अभी तक है, जैसे आगे जानकारी मिलती है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कुछ घायलों की जानकारी मिली है? जैसे ही आगे की जानकारी मिलती है उसके बारे में सूचना दी जाएगी। ऑलरेडी हमारी मेडिकल वैन साइट पर पहुँच गई है और जो रेलवे के डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो साइट पर पहुँचे। और इसी हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन हादसे के बाद में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ हेल्पलाइन नंबर 8957409292 ये वो नंबर जारी किया गया है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको वो नंबर दिखा रहे हैं 8957409292। अगर आपका कोई अपना ट्रेन में सफर कर रहा था तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। साथ ही 12 डब्बे जो पटरी से नीचे उतर गए, कई लोग घायल हो गए हैं। अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। जिनकी मौत हो गई है पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया। साथ ही जिन लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि अगर परिजन संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर जारी कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये गोंडा की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था। और आप देखिए कई सारे आपको डब्बे नजर आएंगे इन तस्वीरों में जो कि पटरी से नीचे उतर गए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी आपको उस घटना की तस्वीर स्पष्ट करेगी कितना भयावह यह हादसा हुआ और जिसमें 2 लोगों की अभी तक जान चली गई है। मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। और साथ ही ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये भी इसी हादसे से जुड़ी हुई है। 2 लोगों की मौत और इन तस्वीरों में आप देखिए, हालांकि तस्वीरें ब्लर हैं, कई लोग इसमें घायल हो गए इस हादसे में जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पतन हुआ है, वहाँ पे मेडिकल वैन टाइमली जो रेलवे की मेडिकल वैन होती है आरएमई साइट पर पहुँच गई है। राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। 5 जगह अब इस्टेब्लिश किया गया है, लखनऊ, गोंडा, देवरिया, सिवान, छपरा, गोरखपुर में भी एक हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया गया है।
इसके अतिरिक्त साइट पर जो हमारे डॉक्टर हैं रेलवे के, वो पहुंच गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंच गया है, रेलवे की टीम्स पहुंच गई हैं, रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, 1 को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डायवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं और हमारी अभी हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। कौन सी ट्रेन? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा, अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफर कर रहे थे तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग चला रहे हैं, क्या उनके लिए जो बिल्कुल बिल्कुल जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है, उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। तो तमाम अधिकारियों को आप सुन रहे थे, मौके पर मेडिकल हेल्प भी भेज दी गई है, एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद है, तमाम डॉक्टर्स की जो टीम है उनको भी मौके पर पहुंचा दिया गया है, तमाम घायलों का इलाज इस वक्त वहां भी किया जा रहा है जहां ये हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल जुड़ गए हैं संवाददाता। रामगोपाल बताइए मौके से क्या अपडेट? बिल्कुल, इस वक्त मैं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में खड़ा हूं और दो बड़ी अपडेट अभी सामने आए हैं। जो पहला बड़ा अपडेट ये है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने स्वीकार किया है कि 1 की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं, जिसमें 1 घायल गंभीर है, 6 को माइनर चोट लगी है, यानी कि अभी तक 1 मौत स्वीकारी जा रही है। और इसी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री अभी तक ये सूचना आ रही थी कि ट्रेन दुर्घटना होने के बाद वो गाँव के रास्ते दूसरे रास्तों से बाहर निकल रहे थे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरीके से तैयार है और पूर्वोत्तर रेलवे उनके लिए एक रेक की व्यवस्था कर रही है और जैसे ही वो रेक अभी जैसे ही डाउन लाइन थोड़ी सी भी राहत मिलेगी तुरंत एक रेक वहां पे पहुंच जाएगा और जो यात्री हैं उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं, यानी कि लखनऊ मंडल के जो DRM है कुछ देर में वहां पे पहुंच जाएंगे और DRM के बाद जो GM है GM भी शायद यहां से निकल चुके हैं, सुरक्षा के अधिकारी भी यहां से निकल चुके हैं। तो अब कुछ देर में वहां पर जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो मौजूद हो जाएगा और इसी के साथ जो अभी तक डेथ की बात आ रही है, डेथ सिर्फ 1 की बात आ रही है और यात्री पैनिक ना हो उनके लिए एक स्पेशल कोच की व्यवस्था रेलवे कर रही है। तो दो बड़ी सूचनाएं हैं, दो बड़ी सूचनाएं, हालांकि ये जो डेथ की संख्या है ये बढ़ सकती है, की मौत हुई है, ये जानकारी अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है और तमाम जो मदद है वो इस वक्त मौके पर पहुंचाई जा रही है। अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए, ये ट्रेन जो कि गोंडा तक पहुंची थी और उसके बाद में यहीं पर ये हादसा होता है गोंडा के पास में और एक के बाद एक कई सारे जो बोगियां थी वो पटरी से नीचे उतर गई। शुरुआत में जानकारी मिली कि 5 बोगियां पटरी से नीचे उतरी हैं और फिर जब तस्वीरें काफी हद तक स्पष्ट हुई तो पता चला कि 12 बोगियां पटरी से नीचे उतरी है। हालांकि इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही इस पर जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो घायलों पर देखी जा रही है, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत हुई है। आप एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे ये रेलगाड़ी गोंडा तक पहुंचती है और उसके बाद में एक के बाद में एक कई सारे डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। चंडीगढ़ से होते हुए असम जा रही थी ये ट्रेन और उस तभी रास्ते में गोंडा के पास में ये ट्रेन हादसा हो जाता है। हालांकि कई सारे लोगों के घायल होने की जानकारी इसमें मिली है।
तमाम जो मदद है वो इस वक्त मौके पर पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, इस वक्त मौके पर मौजूद है। तमाम मेडिकल की जो मदद है वो भी पहुंचाई जा रही है और साथ ही उचित उपचार के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिए गए हैं। और घटना स्थल पर पहुंचे हैं रेलवे के अधिकारी, एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। तमाम जो मदद है वो इस वक्त मौके पर पहुंचा दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना स्थल पर रेलवे के तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो घायल हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। रामगोपाल, इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। साथ ही सात लोग हैं जो कि घायल हुए हैं, इसके अलावा छह लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें गोंडा से आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं और साथ ही रेलवे के अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही तमाम डॉक्टर्स की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, सात लोग घायल हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। और साथ ही हेल्पलाइन नंबर लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आपका कोई अपना ट्रेन में सफर कर रहा था तो आप इस नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उनसे भी पुलिसकर्मी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रेन हादसा जिसकी एक एक तस्वीर हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, ये ट्रेन की वो तस्वीरें हैं हादसे के तुरंत बाद की, जब मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और साथ ही इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आपको सामने दो बोगियां नजर आएंगी जो कि पटरी से नीचे उतर गई हैं और साथ ही इसी दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आने की भी जानकारी मिली है। तो आज दोपहर ये ट्रेन हादसा हुआ, गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, और जिसके 12 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और कई सारे लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। और देखिए, ये नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आप देखिए ये बोगियों पर नंबर भी आपको नजर आएंगे, कितनी बोगियां पटरी से नीचे उतरी हैं। अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें उन्होंने बताया कि 12 बोगियां थी जो कि पटरी से नीचे उतरी और साथ ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर कोई गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही ये डिब्बे डिरेल होते हैं, कई लोगों को गंभीर चोटें आ गई। और जानकारी मिलने पर रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे ने हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं गोंडा की, और मौके पर मौजूद अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 20 लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोट आई है और कई लोग ऐसे हैं और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई, गोंडा ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीपीआरओ की तरफ से जानकारी साझा की गई है, सात लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं, तो एक मरने वाले की संख्या बताई गई है, सात लोग घायल हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि छह से सात लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोट आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा हादसा ट्रेन जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, सात लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही छह से सात लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोट आई है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की टीमें इस वक्त मौके पर भी मौजूद है। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं और एक एक बोगी का आपको नंबर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और कुल जो बोगियां हैं वो 12 हैं जो कि पटरी से नीचे उतर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अभी एक है और साथ ही एक शख्स ऐसा भी बताया जा रहा है जिसको बेहद गंभीर चोट आई है, हालत नाजुक बनी हुई है लेकिन अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए,
जैसे ही यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंच गए, एनडीआरएफ की टीम को भी जानकारी दी गई, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, साथ ही रेलवे के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो ये दुर्घटना करीब 2:30 बजे हुई है और चंडीगढ़ से ये ट्रेन चली थी जो कि असम की तरफ जा रही थी और गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे ये हादसा हुआ है। दो बोगियां जो कि पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर गई और बाकी जो बोगियां थी वो भी पटरी से नीचे उतरी और वहीं पटरियां भी कई जगह से उखड़ गई हैं और लोग बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से बाहर निकले हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ट्रेन के अंदर से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मौके पर भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक मदद की और फिर इसके बाद में जानकारी दी गई पुलिस कर्मियों को। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेल हादसे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए गए। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएससी पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जो लोग ट्रेन के अंदर अब भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और यूपी सरकार और साथ ही असम सरकार आपस में संपर्क में हैं क्योंकि ये ट्रेन असम पहुंचनी थी यूपी से होते हुए। तो एक और बड़ी खबर आ रही है रेल हादसे का, सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि हादसे के बाद में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सीएम के निर्देश के बाद में अलर्ट मोड पर सभी अस्पताल रखे गए हैं, आसपास के जिलों के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और साथ ही असम सरकार से भी यूपी सरकार संपर्क में है क्योंकि ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से शुरू हुई थी और यूपी से होते हुए ये असम जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं देवमणि। देवमणि बताइए अभी मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है और साथ ही क्या सभी घायलों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है? देखिए ये जो डिब्रूगढ़ ट्रेन थी 1504 वो यहाँ पर पिकौड़ा में डीरेल हुई थी, इसके एसी कोच के 4 डिब्बे डीरेल हुए थे जिसमें से 2 लोगों की मौत की बात जो अधिकारियों ने पुष्टि की है। वहीं 8 से 9 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया है और बचाव राहत कार्य चल रहा है। तीन 4 डिब्बे थे, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर ये खास बात रही कि स्थानीय लोगों ने जब तक क्योंकि मुख्यालय से 22-23 किलोमीटर दूर था ये और ये ग्रामीण इलाका है ऐसे में यहाँ पर प्रशासन को पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई। ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जो स्थानीय मेडिकल टीम थी वो और आसपास की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू का काम किया जिसमें 8 से 9 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। क्योंकि ट्रेन बड़ी है और ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, मेडिकल वैन और यहाँ की जो बाकी जो जो रिलीफ की वैन वो पहुंची है वो इन लोगों को पहुंचा रहे हैं जिलाधिकारी। यहाँ देवबड़ी के रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है जी, सवाल हो रहा है देवबड़ी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी थी, तो क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं? नहीं नहीं, चूंकि अब चूंकि यहाँ पर टीम पूरे जनपद की मेडिकल टीम और रिलीफ ट्रेन और यहाँ पर जो बचाव राहत की टीम थी रेलवे की जो टीम थी वो पहुंच गई है मौके पे, तो जो एसी के कोच में जितने भी लोग थे उनको लगभग सबको बाहर निकाल लिया गया है, अब किसी के अंदर फंसे होने की सूचना नहीं। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है ट्रेन हादसे के बाद में कई ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस का रूट बदला गया है, मनकापुर अयोध्या बाराबंकी से जाएगी ट्रेन और गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का भी रूट बदल दिया गया है। मनकापुर अयोध्या के रास्ते भी बदले गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनकापुर जो ट्रेन है वो अयोध्या के रास्ते जाएगी, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस ट्रेन हादसे के बाद में बाकी जो ट्रेनों पर असर हुआ है वो ट्रेनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, कई ट्रेनें अपने गंतव्य पर कुछ देरी से पहुंचेंगी।